सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक और नई वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने है टाटा हैरियर का एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट। ये जो है ये एक बेसिकली एडवेंचर परसोना टाइप जो वेरिएंट इन्होंने पहले निकाला था ना सफारी के अंदर, तो उससे ही कुछ मैचिंग खाते हुए इन्होंने हैरियर के अंदर भी दिया है इस बार। और इसके अंदर खासियत सिर्फ यही है कि एक्सटीरियर से तो गाड़ी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी एक्चुअली वो अपने टॉप मॉडल फियरलेस मॉडल के अंदर दिखती है। बट अगर मैं बात करूं तो मेन जो इसके अंदर फीचर का फ़र्क है यहां पर, वो कंपनी खेलती है इसके अंदर अपना जो इंटीरियर है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे इसकी एक्सटीरियर में। सबसे पहले इंजन की, जो इंजन इसका मेन हिस्सा होता है गाड़ी का, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफ़ी भारी हुड है। टाटा से मैं पर्सनली बोलूँगा यार इसको अब चेंज करके ना हाइड्रोलिक सिस्टम दे दो, क्योंकि आपकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी है और उसके हिसाब से ना एक अकेले बंदे को उठाना मुश्किल हो जाता है ये हुड को, क्योंकि रियलिटी में बहुत ज़्यादा भारी ये हो जाता है। इंजन यहाँ पर मिलता है आपको क्रायोटेक 170 का 2000 सीसी का इंजन, जो कि 170 BHP निकालता है। और यहाँ पे आपको 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है। डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, फीएट का काफ़ी पुराना और रिलायबल इंजन है। मतलब टाटा के लाइनअप में सबसे बढ़िया इंजन अगर मैं बात करूँ तो यही इंजन है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा सेटअप के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको माइलेज भी दे देता है, 16 से लेके 17 तक की हाईवे की माइलेज, और सिटी में बात करूँ तो 14 से लेके 15 तक की सिटी में आराम से माइलेज दे देगा, डिपेंडिंग आप कैसे गाड़ी को चला रहे हैं। पीछे अगर मैं बात करूँ तो इंसुलेशन आपको यहाँ प्रॉपर मिलती हैं, ऊपर की तरफ भी इंसुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हुड काफ़ी ही ज़्यादा भारी है टाटा की बिल्ड क्वालिटी के कहने के, ऑलरेडी ये 5 out of 5 स्टार स्कोर कर चुकी है। इंजन की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रखी गई है टाटा की तरफ से, कि सच यहाँ पे आपको कोई भी मिस हैपनिंग या फिर मैं बात बोलूँ कोई भी ऐसी मेजर चीज़ नहीं दिखेगी कि यार इसकी वजह से एक अनइजी सा अनमैनेजेबल इंजन जो है कंसोल वो दिख रहा हो। बहुत ही अच्छे से इन्होंने मैनेज करके रखा है। और अब मेरे हाथ जो हो रहे हैं वो दर्द हो रहे हैं एक हाथ से पकड़ने में, क्योंकि रियलिटी में भाई साहब ये बहुत ज़्यादा भारी है हुड, और एक हाथ से पकड़ने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो उस हिसाब से अगर बोलें हम तो बिल्ड क्वालिटी A1 है गाड़ी की, और फ्रंट लुक काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल फेवरेट कलर मेरा टाटा हैरियर या सफारी के अंदर कुछ है तो वो वाइट कलर है, क्योंकि वाइट कलर में क्या बोल्ड लुक निकल के आती है। और रियलिटी में अगर मेरे पास जिमनी नहीं होती ना इस टाइम पे, तो मैं शायद हैरियर ख़रीद लेता, और काफ़ी क्योंकि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे इसके लुक्स पर्सनली अगर मैं बात करूं। और एक बड़ी सी बल्की सी कार लगी जो कि एक अच्छे लुकिंग के साथ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर मैं हेडलाइट सेटअप की बात करूं यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसी इसके अंदर हेडलाइट सेटअप मिलती है, जो कि इसके अंदर एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन डाला गया है। ये जो फ्लिकर हो रही है ये सिर्फ कैमरे की वजह से हो रही है और कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपको रियलिटी में देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपर DRL मिल रही है जो प्रॉपर एडजॉइन कर रही है। नीचे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो हाई बीम लो बीम आपको यहीं पे मिल जाएगी इसके अंदर। नीचे इसके अंदर फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं नीचे की साइड, तो यहाँ पे एक अच्छा भला डिसेंट सेटअप आपको LED सेटअप मिल जाता है कंपनी के थ्रू। और फ्रंट में हमें 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ देखने को मिलेंगे, कैमरा देखने को मिल जाएगा, 360 कैमरा देखने को मिलता है, ADAS जैसे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट के अंदर बेसिकली अगर मैं बोलूं। और यहाँ से फ्रंट लुक ख़त्म होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे वाइपर्स भी आपको प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी के दे रखे हैं। जब एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का इतना ज़्यादा है और ऑन रोड जब ये गाड़ी 25 लाख रुपए के आसपास की आपको ये पड़ेगी, तो उस हिसाब से फीचर्स डालना तो नेसेसरी भी है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि तभी मज़ा आएगा गाड़ी को ख़रीदने में और चलाने में। साइड लुक से अगर सबसे पहले बात करूँ तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे दे रखे हैं, 235/60R18 के अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। काफ़ी बड़ा साइज है अलॉय व्हील्स का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और रेयर में भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक ही मिल जाती है आपको। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको डिस्क ब्रेक का प्रॉपर एक सेटअप मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक लुकिंग आपको ऑफर करता है। डोर पैड के अंदर को ड्राइवर डोर पैड के अंदर यहाँ पे आपको हैरियर का प्रॉपर बैजिंग मिलती है, जो एक काफ़ी अच्छा लुकिंग आपको ऑफर करता है। ORBM वही इसके अंदर मिलता है जो प्रीवियस जनरेशन हैरियर के अंदर आ रहा था। कैमरे का यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन प्रॉपर कर दिया गया है, जिसके थ्रू एक 360 कैमरा यहाँ पे डाला गया है, और पहले भी आ रहा था इस 360 कैमरा, बट जो उसकी क्वालिटी थी ना और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो भी अंदर से मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है, फंक्शनेबल रूफ रेल्स नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट आपको एक डिज़ाइन एनहांसमेंट के लिए रूफ रेल्स का प्रोविजन ज़रूर से देखने को मिलता है। साइड लुक से बात करते हुए अगर हम पीछे जाएँ
तो पीछे हमें इसके अंदर कुछ ऐसा जो कंसोलिंग है टेल लैम्प्स की वो यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रॉपर एलईडी सेटअप मिलता है जो कि एडजॉइन करता है आपस में एक दूसरे को, और यहीं पे इस गाड़ी के अंदर बैक प्रोफाइल से भी चार चांद लग जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को क्लियरली मिलेगी। हैरियर की बैजिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो, कैमरा, नंबर प्लेट लाइट भी आपको यहाँ पे वाइट मिल जाएगी। नीचे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, बड़ी सी स्किड प्लेट, और इधर से भी अगर मैं एक बार आपको लुक चेकआउट करवाऊँ तो गाड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार आने वाला है। और काफ़ी सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पे डाले हैं गाड़ी के अंदर, उसकी भी बात करते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा। डोर खोलते सारी ना एक प्रीमियम फील ज़रूर आती है, और रियलिटी में कितना ज़्यादा चौड़ा गेट इसके अंदर दिया गया है। अब एडवेंचर प्लस है और एडवेंचर वेरियंट है तो फियरलेस से थोड़ा सा तो अलग होगा, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक टैन कलर की फिनिशिंग प्लास्टिक जो कंसोलिंग है उसके अंदर डाल रखी है ताकि आपको एक प्रीमियमनेस अलग से मिले या फिर एक एडवेंचर वाली फील मिले मैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने कर रखी है। डोर पैड इन्होंने बेसिकली वही पुरानी वाली हैरियर का ही रखा है, एज सच इसके अंदर मेजर चेंजेस नहीं है। बट हाँ, आपको नीचे जो इंटीरियर है उसके अंदर एक टैन कलर की फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको सेफ्टी लैंप भी मिलेगा अगर आप रात को गेट खोल रहे हैं हाईवेज पे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी। ORVM इसके अंदर ऑटो, फोल्डेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों ही यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एडजस्टेबल का आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ नए टाटा हैरियर के अंदर आपको जो देखने को मिलती है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील। पहले हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील आता था, अब इलेक्ट्रॉनिक आता है, तो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट हो जाती है ये चीज़। जब गाड़ी के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि काफ़ी आराम से रोटेट होगा, आराम से ट्रैफिक में आपको एक ईजी राइड देगा, साथ ही साथ आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक देगा, क्योंकि हैरियर और सफारी का जो स्टेयरिंग व्हील था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और पर्सनली बहुत से लोगों को स्टेयरिंग व्हील की वजह से भी गाड़ी उन्होंने छोड़ी है, जैसे जैसे मेरे को रिव्यूज़ मिले कि यार उसका ना स्टेयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है गाड़ी के अंदर। एक 25 लाख रुपए की गाड़ी, 21 लाख रुपए की गाड़ी अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रीमियम फील नहीं आ पाती थी उस स्टेयरिंग के अंदर। तो बहुत लोगों को अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट आपको टू स्कोप अब स्टेयरिंग व्हील मिलता है जिसके अंदर टाटा का लोगो भी इल्यूमिनेशन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको सीट बैक्स, सीट पे प्रॉपर सीट कवर्स मिलते हैं लेदराइट, और यहाँ पे आपको एयरबैग का प्रोविज़न भी मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। 6 एयरबैग इसके अंदर मिलते हैं आपको, स्टैंडर्ड तो नहीं बट इस ऊपर वाले मॉडल्स में तो एटलीस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ, गाड़ी को ऑन करते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। अगर हम देखें तो क्या ही ज़बरदस्त इंटरफेस यहाँ आपको मिल रहा है दोनों ही साइड टाटा मोटर्स का। रियलिटी में इन चीज़ों का मैं फ़ैन हो गया, और जो 360 कैमरा की यहाँ पे मैं बात कर रहा था ना वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है इसके अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये 360 कैमरा जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें अब तो कितना ही ज़बरदस्त और शानदार यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल रहा है जो कि प्रॉपर 3D 2D के अंदर आपको एक प्रॉपर रिव्यू देगा। अब जैसे गेट खुला हुआ है, मैं इस गेट को भी बंद करता हूँ तो इसने इस साइड का भी प्रॉपर दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं दोबारा रोटेशन पे इसको अगर लाता हूँ तो ये यहाँ पे आपको दोबारा से एक 360 व्यू देगा। तो अगर आप देखें तो कितना ही ज़्यादा एक क्लियर एक व्यू गाड़ी के अंदर आपको कैप्चर करते हुए दे रहा है, जो रियलिटी में मैं बात करूँ तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है एक कार के लिए, एक कार के अंदर एक फ़ीचर के हिसाब से। क्योंकि जब आप 25 लाख रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं तो यार ये फ़ीचर्स आपको मिलने चाहिए। एक 10 इंच की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, जो काफ़ी टाइम से लोग मांग रहे थे कि यार टाटा कम से कम स्क्रीन बड़ी दे दो, क्योंकि इसके सब वेरियंट्स के अंदर जो अपना कॉम्पिटिशन है उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे भी अब आपको स्क्रीन इतनी बड़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो ड्राइवर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको प्रॉपर डिजिटल यहाँ पे TFT स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको वेरियस चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है इल्यूमिनेशन वाला, और यहाँ पे माउंटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ एडास के प्रॉपर बटन्स फीचर्स मिलते हैं। तो रियलिटी में मैं बात करूँ ना तो ये वेरियंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ORVM पे भी आपको जो अपना लेन डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम आता है कि जो हिडन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो जो आपका गाड़ी के पीछे से अगर कोई आ रहा है जो आपको नहीं दिख रहा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली,
तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। एम्बिएंट लाइट का आपको प्रोविजन मिलता है डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये चीज़ तो अभी तक आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे थे, अब आपको कंपनी ही दे रही है, तो ये चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ से लेके प्रॉपर यहाँ तक आपको मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। और अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर डैशबोर्ड का लुक आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। फीचर्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलते हैं, AQI जैसा फीचर भी इसके अंदर मिल जाता है आपको, और बहुत सारे ऐप से लेके आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वो मिल जाएगा सराउंड व्यू। अगर आप चाहते हैं तो वो दोबारा आप 360 कैमरा खोल सकते हैं गाड़ी के अंदर। और प्रीमियमनेस टाटा ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाली है इस बार, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये थोड़ा लैगी है एकदम से। अगर मैं बात करूँ ऑफ का बटन दबाओगे तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लेता है दोबारा सोचने में और एक्टिवेट होने में, तो ये चीज़ है। बाकी और एज सच मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आप खुद भी देखें ना, तो जैसे अब ये मैंने चलाया, अब आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी। अब मैं इसको ऑफ़ का बटन दबाऊंगा ना, तो कभी कभी तो ये पकड़ लेता है, कभी कभी हल्का सा लैग होता है, तो वो चीज़ है। बट मैं वैसे बात करूँ तो ऑल ओवर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा या फिर मैं बुराई नहीं करूँगा इस चीज़ की। बाकी गाड़ी ऑल ओवर अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको वही यहाँ पे एक USB सॉकेट और 45 वॉट का यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ आपको फ़ोन रखने की स्पेस मिलती है। अब यहाँ थोड़ा इनको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ फ़ोन आप ढंग से रख नहीं सकते, या इमरजेंसी सिचुएशन में आप फ़ोन को एकदम से बाहर निकाल नहीं सकते। ड्राइविंग मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मोडिंग मिलती है गाड़ी के अंदर। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यहाँ देखने को मिलेंगे। सेंटर कंसोल की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, Hyundai डिराइव्ड ये ट्रांसमिशन है, इंजन है, तो अच्छा रहेगा आपकी गाड़ियों के लिए। और आपके पर्टिकुलर ड्राइविंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रिलायबल है और काफ़ी अच्छा स्मूथ इंजन और ट्रांसमिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड का फीचर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ मैं बात करूँ तो आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे काफ़ी बड़े साइज़ के, और यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलती है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, कूल्ड आर्मरेस्ट है, और साथ ही साथ एक USB सॉकेट मिलता है, एक टाइप सी मिल जाता है। तो रियलिटी में आपको एक काफ़ी अच्छी गाड़ी एक काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको एक सॉफ्ट टच में आपको क्लोज ओपनिंग में आपको प्रॉपर इसके अंदर जो ग्लव बॉक्स है वो मिलता है काफ़ी बड़ी स्पेस के साथ, और इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम आपको स्टांस ऑफर करती है जब आप गाड़ी में बैठते हैं। ऊपर अगर मैं बात करूं तो वाइट लैंप आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, सनरूफ का प्रॉपर कंसोलिंग मिलती है। अगर आप देखें तो ये प्रॉपर सनरूफ यहाँ पे खुल रही है, काफ़ी बड़े साइज़ की सनरूफ है। अगर आप गाड़ी के अंदर सनरूफ के शौकीन हैं तो रियलिटी में टाटा या हायरियर की जो सनरूफ है वो काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी है। आप खुद देख सकते हैं इतने जगह में से आराम से मैं निकल सकता हूँ, और अगर आप दोबारा इसे बंद करना चाहें तो ये वन टच क्लोज हो जाती है, वन टच ओपन हो जाती है। तो रियलिटी में एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीचर है जो कि टाटा ने यहाँ पे डाल रखा है, और फॉर श्योर एक प्रॉपर फैमिली कार की कंसिडरेशन में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है जब सनरूफ बंद हो जाती है, और दोनों ही साइड इनफैक्टली मिलती है, तो यहाँ पे रात को इस गाड़ी के अंदर एम्बियंस बहुत तगड़ा आने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, IRVM थोड़ा इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है इस वेरिएंट में, आपको डे एंड नाइट वाला नहीं दिया, मतलब ऑटोमेटिक वाला नहीं दिया, वैसे तो डे एंड नाइट वाला दिया बट मैन्युअली, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको कोई भी मिरर का प्रोविज़न भी नहीं मिलता, क्योंकि देखो प्राइस पॉइंट डिसेंट इनफ रखा है इन्होंने, बट यहाँ पे कोई भी मिरर का प्रोविज़न नहीं दिया। गाड़ी को करते हैं ऑफ और चलते हैं रेयर में, कि रेयर में आपको इसके अंदर क्या कंफर्ट और फीचर्स मिलते हैं। रेयर में अगर मैं सबसे पहली बात करूं, देखो रेयर का प्रॉपर कंसोलिंग इस गाड़ी इस वाले मॉडल के अंदर पुरानी वाली हैरियर का ही है, क्योंकि इसके अंदर सिटिंग कंसोल रखा गया है, सिटिंग पोस्चर्स रखे गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुरानी वाली हैरियर के अंदर आते थे। एज सच यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट डोर पैड की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको एक विंडो शेड्स ज़रूर से देखने को मिल जाते हैं जो कि धूप में आपको बचाएंगे। नीचे फ़ोन रखने की आपको स्पेस मिलती है, पावर विंडो मिल जाती है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स मिल जाते हैं, और एक प्रॉपर लेदराइट फिनिशिंग मिलती है। तो वही सब कुछ आपको एक प्रीमियम सा इंटीरियर यहाँ देखने को मिलता है। बीच में आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाती है कप होल्डर के साथ। कोई भी रेयर इवेंट यहाँ नहीं मिलता, बट इस इवेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, AC वेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ एक सीट कवर्स तो आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं,
नीचे की तरफ एक अच्छे मैट इसके अंदर अगर आप डलवा लें तो रियलिटी में गाड़ी के अंदर और कुछ भी करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि ऐसे ही खुल जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर डीजल भरवा सकते हैं, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं पीछे बूट की बात करूँ तो बूट स्पेस बेसिकली आपकी यहाँ से खुलेगी जो कि काफ़ी ही ज़्यादा भारी है प्रॉपर, बट इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल बूट ही मिलेगा। बूट स्पेस पुरानी वाली हैरियर जैसी ही रखी गई है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बूट स्पेस आपको आराम से ऑफ़र करेगी 5 बड़े सूटकेस रखने तक की स्पेस को, क्योंकि रियलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे बूट स्पेस बढ़ाई गई है। और वो बढ़ाई भी कैसे गई है कि यहाँ पे नीचे जो स्पेस मिलती थी उसको इन्होंने कम कर दिया और यहाँ पे हल्की फुल्की स्पेस छोड़ दी। अगर आप ये थर्माकॉल्स हटा दें तो यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं हम, बट अगर ना भी हटाना चाहें तो इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे आपकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे एक प्रॉपर इन्होंने खोखली स्पेस दे दी है, रियलिटी में सब बूफर तो नहीं दिया, टॉप मॉडल में आता है, बट आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाना चाहें तो यहाँ पे लगवा सकते हैं, कस्टम जो सब बूफर्स आते हैं मार्केट के अंदर वो चीज़ है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, ग्रॉसरी हुक्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ही अच्छी यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस मिलती है ऊपर भी। और यहाँ पे हमें देखें तो इसके अंदर आपको एक टाटा का मोबिलिटी किट मिल जाती है जो कि पंचर रिपेयर किट है, अगर आप इमरजेंसी में आप फंस जाएँ तो आपको पंचर लगा सकें खुद अपनी गाड़ी में। और एंड अराउंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऐसी कुछ आपको टाटा की ये हैरियर मिल जाती है, एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जो कि आपको डिसेंट इनफ फीचर्स मिलते हैं, सनरूफ जैसा फीचर मिल जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और रियलिटी में काफ़ी ही अच्छा प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 25 लाख रुपये आपको इसकी प्राइसिंग पड़ती है ऑन रोड दिल्ली के अंदर अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और काफ़ी ही ज़्यादा एक अच्छी प्राइसिंग पे एक अच्छी कार यहाँ पे लॉन्च करी गई है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।